हाँ दोस्तों, मैं संजय संजय कॉम्पिटेटिव हब्स का आपको स्वागत है। मैं आपके लिए आज लेकर आया एक नया वीडियो जो कि टेम्पल लोकेटेड स्टेट एंड सिटी में मंदिर के बारे में बोलूँगा। और जो मैं कलर किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत एग्जाम में रिपीटेड होता है, वही टेम्पल के बारे में। आप अच्छे से इसको याद कीजिए और वीडियो पॉज करके इसको नोट कीजिए, और आपको अच्छा लगता है आप भी आपको दोस्त को शेयर कीजिए और एक एक लाइक मुझे दे दीजिए। चलिए दोस्तों, देखते हैं पहले आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश तिरुपति बालाजी, श्री तिरुपति बालाजी को और भी बोला जाता है वेंकटेश्वर स्वामी भारी टेम्पल और कनका टेम्पल। तिरुपति बालाजी के टेम्पल बारे में थोड़ा सा बोलता हूँ। वो तिरुपति बालाजी है, ये तिरुमला हिल्स में अवस्थित है। वो चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट का आंध्र प्रदेश में अवस्थित है, चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट। ये सबसे रिचेस्ट हिंदू टेम्पल इन द वर्ल्ड, सबसे धनी टेम्पल इन द वर्ल्ड। ये द्राविडियन आर्किटेक्चर का स्टाइल में बना हुआ है। इसका अंदर जो पूजा पाते हैं, जो प्रतिमा है, जो और आइडल है, वो है विष्णु। इसको भी तिरुमला टेम्पल भी बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आया अरुणाचल प्रदेश। इसमें क्या है ना, मालिनी थान टेम्पल। आसाम में आया क्या ना, कामाख्या टेम्पल। बिहार में महाबोधि टेम्पल क्या होता है ना, बुद्धिस्ट। इसमें बुद्ध लॉर्ड बुद्ध पूजा पाता जाता है। ये बुद्धगया का रिवर के पास सिचुएटेड है। इसके बाद आया छत्तीसगढ़ में क्या है ना, अमरकंटक टेम्पल। और दिल्ली में भी बहुत अच्छे टेम्पल है जो एग्जाम में अक्सर आता है, वो है लोटस, लक्ष्मीनारायण टेम्पल, अक्षरधाम टेम्पल, श्री दिगंबर जैनलाल मंदिर। देखिए, अक्षरधाम टेम्पल, लोटस टेम्पल, लक्ष्मीनारायण टेम्पल, श्री जैनधार दिगंबर जैनलाल मंदिर। ये जो मैं कलर किया पर्पल कलर, इसको देखिए, एक कलर को इसको अच्छे वो इम्पोर्टेंस है, इसलिए मैं इसको एक कलर में क्या है। ठीक है, लोटस के मंदिर के बारे में बोल देता हूँ। लोटस क्या है ना, यह दिल्ली में कालकाजी में सिचुएटेड है, न्यू दिल्ली में। इसका शेप कैसा होता है ना, इसका आकार होता है ना फ्लोटिंग लोटस, जो लोटस पानी में भास रहा है, ऐसा का आकार है। इसमें कोई भी प्रतिमा नहीं है, नो आइडल्स इन दिस टेम्पल। ये क्या ना, बाहाई कम्युनिटी का टेम्पल है। इसके बाद लक्ष्मी नारायण टेम्पल के बारे में बोल देता हूँ। ये अक्सर एग्जाम में भी इसके बारे में आ जाता है। इसको भी बिरला टेम्पल बोला जाता है। ये किसके द्वारा निर्माण हुआ था ना, जुगल किशोर बिरला ने 1933 में निर्माण किए थे, और इसको इनॉग्रेटेड किए थे कौन ना, महात्मा गांधी। इसमें गुजरात में अच्छे दोनों टेम्पल है, जो है सोमनाथ टेम्पल, एक है द्वारिकाधीश टेम्पल के बारे में थोड़ा बोलता हूँ। नहीं, पहले सोमनाथ टेम्पल के बारे में बोलता हूँ। सोमनाथ टेम्पल में वो लॉर्ड शिव का पूजा हो रहा है। ये जो 12 ज्योतिर्लिंग है, इसमें से सबसे फास्ट ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ टेम्पल में है। ये 1951 में बना हुआ था। वो टाइम का जो इनॉग्रेट किए थे वो है वो टाइम का होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसमें एक अच्छा फेस्टिवल भी होता है, वो है महाशिवरात्रि। और इसके बाद बोलता हूँ द्वारिकाधीश टेम्पल के बारे में बोलता हूँ। ये कहाँ पर सिचुएटेड है ना, द्वारका ऑन गोमती में द्वारका के सिचुएटेड है। इसको भी जगत मंदिर भी बोला जाता है। ये इसमें किसका आइडल पूजा करा जाता है ना, लॉर्ड कृष्णा का पूजा करा जाता है। इसमें अच्छा से एक अच्छा फेस्टिवल होता है, वो है जन्माष्टमी, भगवान कृष्ण का जन्माष्टमी। इसके बाद कर्नाटक का आया गोमतेश्वर टेम्पल है, सालेश्वर टेम्पल, विरूपाख्या टेम्पल। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हिमाचल प्रदेश में आया
मणिकरण टेम्पल, अंग्रावाड़ी टेम्पल। मणिकरण टेम्पल आया हिमाचल प्रदेश में, झारखंड में अंग्रावाड़ी टेम्पल। इसको स्क्रीनशॉट लेके नोट करके पढ़ाई कीजिए, जो आपको हेल्पफुल होगा। अगर इसको अच्छा लगता है आप मेरे वीडियो को एक लाइक कीजिए और शेयर कीजिए आपको दोस्त के, दोस्त भी कुछ पढ़ इसको पढ़ के तैयारी कर सकते हैं। इसके जम्मू एंड कश्मीरी, जम्मू एंड कश्मीर के बारे में देखिए। जम्मू एंड कश्मीर में जो टेम्पल है वो है अमरनाथ टेम्पल, वैष्णो देवी, शंकराचार्य टेम्पल। अमरनाथ टेम्पल जानते हैं सब, वह कौन पूजा पाते हैं ना, लॉर्ड शिव। और वैष्णो देवी में एक क्या है ना, केव है, इट इज ए केव। इसके बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में नहीं केरला है, केरला में साबरीमाला टेम्पल, श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल। वो सबसे बढ़िया इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल के बारे में, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। और नेक्स्ट आया केरल के बाद एमपी, मध्य प्रदेश, सांची स्तूप और खजुराहो टेम्पल। दोनों है, सांची स्तूप है और खजुराहो टेम्पल है। सांची स्तूप के बारे में थोड़ा बोल देता हूँ, जो एग्जाम में आता है इम्पोर्टेंट है। देखिए सांची स्तूप के बारे में, वो क्या है ना, ओल्डेस्ट स्टोन स्ट्रक्चर इन इंडिया, बिल्ड बाय अशोक, ये लॉर्ड बुद्ध बुद्धिजीव के लिए हुआ था, लॉर्ड बुद्ध के लिए बना हुआ है। इसमें जो भगवान है लॉर्ड बुद्ध, ओल्डेस्ट स्टोन स्ट्रक्चर इन इंडिया एंड बिल्ड बाय अशोक। खजुराहो टेम्पल, इसके बारे में एग्जाम में आता है खजुराहो टेम्पल। खजुराहो टेम्पल में क्या होता है ना, बिल्ड बाय चैंडेला रूलर। चैंडेला जो है, चैंडेला रूलर के द्वारा ये निर्माण हुआ है। ये सैंडस्टोन ग्रेनाइट में बना हुआ है। इस अक्सर एग्जाम में आता है, रिपीटेड एक क्वेश्चन है जो क्या ना, खजुराहो टेम्पल किस पत्थर में बना हुआ है, वो क्या है, सैंडस्टोन ग्रेनाइट में। इसमें कौन सा प्रतिमा पूजा पाता है ना, दुर्गा, माँ दुर्गा, और वही साइड में चौसठी जोगिनी भी है। वह राजस्थान, सॉरी मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में सिद्धि विनायक टेम्पल, श्रीडी श्री रीडी साई बाबा टेम्पल। ओडिशा, जगन्नाथ टेम्पल, सन टेम्पल, सन टेम्पल को भी बोला जाता है क्या, कोणार्क भी बोला जाता है, और लिंगराज टेम्पल। जगन्नाथ टेम्पल, जगन्नाथ टेम्पल के बारे में एक एग्जाम में आता है क्या ना, एक इधर कौन सा फेस्टिवल होता है, स्कार फेस्टिवल होता है, इसको भी बोलते रथ यात्रा और चैरियट फेस्टिवल भी बोला जाता है। इसमें लॉर्ड जगन्नाथ पूजा होता है। जैसे कोणार्क टेम्पल, सन टेम्पल और कोणार्क टेम्पल सबसे इम्पोर्टेंट है। वो रेलवे एग्जाम, एसएससी एग्जाम में बहुत बार रिपीट होता है। कोणार्क ब्लैक पगोड़ा किसी को बोला जाता है, ब्लैक पगोड़ा सन टेम्पल को बोला जाता है। मेरा भी बहुत बार एग्जाम में आया, सन टेम्पल को ब्लैक पगोड़ा बोला जाता है। ये कौन निर्माण किया था ना, नरसिंह देव ने, गंगा एम्पायर थे वो, नरसिंह देव गंगा एम्पायर थे वो निर्माण किए थे। इसको भी सूर्य टेम्पल बोला जाता है, इस क्योंकि इसमें भगवान सूर्य देवता का पूजा होता है। इसके बाद पंजाब, पंजाब में गोल्डन टेम्पल, राम त्रिनाथ टेम्पल। ये तो गोल्डन टेम्पल के बारे में बहुत एग्जाम आते हैं। गोल्डन टेम्पल गोल्डन के टेम्पल के बारे में बहुत बार एग्जाम में आता है। राजस्थान, राजस्थान भी अनकपुर टेम्पल और बिरला टेम्पल, अनकपुर टेम्पल एंड बिरला टेम्पल राजस्थान में।
बिरला टेम्पल कहाँ पर है ना, जयपुर में है। तमिलनाडु, तमिलनाडु तो बहुत तमिलनाडु में तो बहुत बहुत अच्छे अच्छे टेम्पल है जो बहुत फेमस है, वो है अन्नामलायर टेम्पल, बृहदेश्वर टेम्पल, कांचीपुरम टेम्पल। ये देखो कांचीपुरम, बहुत बार एग्जाम आता है कांचीपुरम कहाँ है, तमिलनाडु। और कुंभकर्णम टेम्पल, मीनाक्षी टेम्पल, रामेश्वरम टेम्पल, नटराज टेम्पल, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट मंदिर है इधर। देखिए अन्नामलायर टेम्पल, बृहदेश्वर टेम्पल, कांचीपुरम टेम्पल, कुंभकर्णम टेम्पल, मीनाक्षी टेम्पल, रामेश्वरम टेम्पल, नटराज टेम्पल। उत्तराखंड, उत्तराखंड को देवभूमि बोला जाता है क्योंकि इधर बहुत अच्छे अच्छे मंदिर भी है और पौराणिक स्थिति से बहुत बढ़िया। ये बद्रीनाथ, केदारनाथ, देखिए उत्तराखंड में आएगा बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। इसको जो मैंने कलर किया है इसको अच्छा से याद कीजिए क्योंकि ये वाला बहुत एग्जाम में रिपीट होते हैं, उत्तराखंड, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में भी क्या है, काशी विश्वनाथ टेम्पल, इस्कॉन टेम्पल, काशी विश्वनाथ टेम्पल, इस्कॉन टेम्पल। जानते काशी विश्वनाथ मतलब लॉर्ड शिव, इस्कॉन, इस्कॉन तो कृष्णा मंदिर है। इसके बाद वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में है कालीघाट, काली मंदिर जो बोलते हैं माँ काली का, वही वेस्ट बंगाल में है। ठीक है दोस्तों, आप इसको अच्छे से नोट कीजिए और पढ़ाई कीजिए, वो एग्जाम में आने वाला है, मतलब एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वही इससे ही आते हैं टेम्पल के बारे में। मैं जो कलर किया है, जो इस देखिए कलर किया है, वही टेम्पल को अच्छे से पढ़ाई कीजिए क्योंकि ये वाला रिपीट होता है। ओके दोस्तों, और